नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं महानगर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। धांधली के आरोपों के साथ संपन्न हुआ कोलकाता नगर निगम का चुनाव। लगभग 64% हुआ मतदान। ईवीएम में कैद हुई 950 उम्मीदवारों की किस्मत। 21 दिसंबर को होगा मतगणना। मतदान हुआ लेकिन कोलकाता पुलिस पर उठी उंगली। बड़ा बाजार बेलिया घाटा में गिरा बम। डलहौजी में बरसाए गए ईंट व पत्थर। कुछ जगह रैक की तैनाती के बीच वोटरों को भेजा गया बूथ तक। एजेंडों से मारपीट। निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 23 के मारवाड़ी बालिका विद्यालय में बूथ दखल का आरोप। पार्षद विजय ओझा के साथ की गई मारपीट। फिर हमको पुलिस के सामने ये पटक करके मार रहा है, पुलिस को दिखाई नहीं देता है क्या? कांग्रेस टीएमसी सब मिलकर के यहाँ पर ये तांडव किया। भाजपा उम्मीदवार मीना देवी पुरोहित ने लगाया कपड़े फाड़ने का आरोप। वार्ड नंबर 22 से भाजपा उम्मीदवार मीना देवी पुरोहित ने आरोप लगाया है कि उन पर हमला किया गया है, उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 22 के माहेश्वरी भवन के पास। यहाँ पे कुछ देर पहले भाजपा उम्मीदवार मीना देवी पुरोहित ने आरोप लगाया कि उन्हें बूथ में जाने से पुलिस ने मना कर दिया। बूथ में अंदर उन्हें नहीं जाने दिया गया जबकि वे खुद उम्मीदवार हैं, और उनके साथ बदतमीजी भी किए जाने का आरोप है। उनका कहना है कि उनकी कपड़े फाड़े जाने का आरोप उन्होंने लगाया है। वही तृणमूल उम्मीदवार स्वयं प्रकाश पुरोहित का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उन्होंने ये सब खुद ही किया है ताकि वो प्रचार में आ सके क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। दिया साड़ी फाड़ दी, धक्का दिया, छाती में मारा और निर्दल प्रार्थी बूथ का कैप्चर करने दिए थे। और 100 জন ছেলেকে নিয়ে এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ করছেন, 144 লাগাছেন, পুলিশ কিছু করছে না। जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद पवन वर्मा को तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का ऐलान किया है। टीएमसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इससे तृणमूल को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार में मदद मिलेगी। मालूम हो कि वो हाल ही में तृणमूल में शामिल हुए थे। एक नजर जिलों से जुड़ी खबरों पर। कोलकाता निकाय चुनाव शुरू होने के 10 मिनट के बाद से ही लगभग सभी बूथों पर लूट मार बमबाजी की घटना सामने आई थी। इसे लेकर भाजपा की ओर से पूरे राज्य में जगह जगह पथावरोध किया गया। इस क्रम में आसनसोल गिरजा मोड़ के पास भाजपा जिला कमेटी के कन्वीनर शिवराम वर्मा के नेतृत्व में पथावरोध कर प्रदर्शन किया गया। मीना देवी पुरोहित वयस्क एक महिला, बहुदिन काउंसिलर बीजेपी कोलकाता कॉर्पोरेशन, তার উপর হামলা করা হলো, তার জামা কাপড় টেনে খুলে দেওয়া হলো এবং ছিঁড়ে দেওয়া হলো। পুলিশ অফিসার বলছে তদন্ত হবে, কেউ তো আহত হয়নি, মানে তদন্ত মানে কেউ যদি আহত হয়, কেউ যদি মারা যায় তবে সেটা বোম, আর যতক্ষণ না কেউ আহত হবে তত কেউ মারা যাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা হচ্ছে চকলেট বোম। এই হচ্ছে কলকাতা পুলিশ তথা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বোমের ডেফিনেশন। আজকে আমরা জানতে পারলাম সিসিটিভির ফুটেজ ঢেকে দেওয়া হচ্ছে, সিসিটিভির মুখ ঢেকে দেওয়া হচ্ছে সাদা কাগজ দিয়ে, না সেলোটেপ দিয়ে আমরা দেখতে পাইনি, কিন্তু ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। আমাদেরকে এজেন্টদেরকে মারধর করে বিভিন্ন জায়গা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আর তারপরে বলা হচ্ছে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে হচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদ করছি, আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি, আমরা এই আমাদের অবরোধ চালিয়ে যাব। रायगंज से सिलीगुड़ी जा रही बस का ब्रेक हुआ फेल, एक की मौत, 30 घायल। मृतक का नाम कुसुम पहान बताया जा रहा है। अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों पर। जुमे की रात पर जमकर फिरके सलमान, एक्स मिनिस्टर के बेटे की शादी में लगाया 4 चांद। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धूप खिली रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।